आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज की प्राइम खबरों में पहली खबर, राम मंदिर मामला अब मध्यस्थता से सुलझेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए भेजा बनाई 3 सदस्य कमेटी। दूसरी खबर, आर्मी कैप पहन उतरी टीम इंडिया, पुलवामा शहीदों के परिवार को देंगे मैच फीस। स्टेडियम के अंदर और बाहर गूंजता रहा धोनी धोनी का शोर। तीसरी खबर, सीएम रघुवर के बेटे का हुआ विवाह, बारात में परिवार संग नाचे मुख्यमंत्री। चौथी खबर, खूंटी में 1 लाख का इनामी पीएलएफआई उग्रवादी समेत 2 गिरफ्तार। आइए शुरू करते हैं खबर विस्तार से। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामला शुक्रवार को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश FMI कलीफुल्ला को मध्यस्थता के लिए गठित 3 सदस्य कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि पैनल के अन्य सदस्यों में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि मध्यस्थता कार्यवाही उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में होगी और ये प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जानी चाहिए। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति SA बोबडे, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर शामिल हैं। प्राइम की दूसरी खबर, JSCA स्टेडियम में शुक्रवार को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया के खिलाड़ी आर्मी कैप पहनकर मैदान में उतरे। टॉस से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों को महेंद्र सिंह धोनी ने बतौर सेना के कैप्टन आर्मी कैप दी। टॉस के समय कप्तान विराट कोहली ने आर्मी कैप पहनी हुई थी। इस मैच से खिलाड़ियों को मिलने वाली फीस शहीदों के परिजनों को दी जाएगी। इधर मैच से पहले स्टेडियम के बाहर सुबह 7 बजे से ही दर्शकों की भारी भीड़ जुटी रही। दर्शकों की लंबी लाइन और ग्राउंड के अंदर मौजूद लोगों के बीच से महेंद्र सिंह धोनी के नाम की गूंज सुनाई देती रही। यहां मैच देखने के लिए झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा बिहार UP समेत अन्य राज्यों के लोग पहुंचे थे। प्राइम की तीसरी खबर, मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे ललित दास का विवाह शुक्रवार को रायपुर में हुआ। इससे पहले गुरुवार की शाम सीएम के बेटे की बारात बड़े धूमधाम से निकली। बारात में सीएम अपने परिवार के लोगों के साथ जमकर नाचते नजर आए। ललित दास की बारात मुख्यमंत्री आवास से भालूपासा स्थित शीतला मंदिर पहुंची, जहां दूल्हा बने सीएम के बेटे ने पूजा की। इसके बाद बारात सीएम के पैतृक आवास से टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां ट्रेन द्वारा बारात रायपुर के लिए रवाना हुई। बता दें कि सीएम के बेटे ललित दास की शादी रायपुर के पूर्णिमा साहू के साथ हुई है। विवाह में झारखंड से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्राइम की चौथी खबर, खूंटी SP को मिली गुप्त सूचना पर 1 लाख के इनामी उग्रवादी समेत PLFI के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए उग्रवादियों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 8 mm के 3 जिंदा कारतूस, 2 PLFI का पर्चा और 3 मोबाइल बरामद किया है। इस संबंध में शुक्रवार को SP आलोक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के बाद उक्त कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम ने गुरुवार की रात संगोर जंगल में छापेमारी कर 2 PLFI उग्रवादियों को हथियार और पर्चा के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए दोनों उग्रवादियों ने अपना नाम PLFI के एरिया कमांडर कोप दस्ता के सक्रिय सदस्य 25 वर्षीय बीजू मुंडा और चुरता मुंडा बताया। दोनों खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र के संगोर गांव के रहने वाले हैं। इस संबंध में कर्रा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। SP ने बताया कि पकड़े गए उग्रवादी बीजू मुंडा पर झारखंड सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। बीजू के खिलाफ कर्रा थाना, खूंटी थाना और लापुंग थाना में कई मामले दर्ज हैं। आइए नजर डालते हैं प्राइम की कुछ राजनीतिक हलचल पर।
कोयला उठाव नहीं करने के फैसले पर बोले ढुल्लू, सियासत कर रहे हैं हार्ड कोक कारोबारी। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और हार्ड कोक कारोबारियों के बीच विवाद थमता नहीं दिख रहा। इस बीच एक बार फिर बैठक कर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन ICA ने कोयला उठाव नहीं करने का फैसला लिया है। इसको लेकर बाघमारा विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कारोबारियों पर निशाना साधा। विधायक ढुल्लू महतो ने ICA पर पलटवार करते हुए हार्ड कोक कारोबारियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक ने ICA के फैसले के पीछे झामुमो नेता सह हार्ड कोक व्यवसायी अमितेश सहाय का हाथ बताया। हालांकि विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि मजदूरों के हित में वो किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। प्राइम की दूसरी राजनीतिक हलचल, गोड्डा सीट के लिए जंग जारी। इरफान बोले, बाबूलाल की बात नहीं सुनते उनकी ही पार्टी के लोग। कोटा सीट को लेकर महागठबंधन में खटपट कम नहीं हो रहा है। नई चर्चा है कि झामुमो ने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि ऐसे में ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के झाविमो के हाथ से छिटक सकती है और गोड्डा सीट से प्रदीप यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने की हसरत अधूरी रह सकती है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी दिल्ली में आला नेताओं से मिलकर वापस लौट आए हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं से गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार मैदान में उतारने की मांग की है। उन्होंने कहा कि झाविमो के लोग ही बाबूलाल की बात नहीं सुनते, जिसके कारण प्रदीप यादव इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं। इरफान ने कहा कि एक विधायक वाली झाविमो को दो लोकसभा सीट नहीं मांगनी चाहिए। आइए नजर डालते हैं प्राइम की कुछ हेडलाइंस पर। महिला दिवस पर कार्यक्रमों की धूम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी समेत पूरे झारखंड में कार्यक्रमों की धूम रही। रांची वुमेन्स कॉलेज में आली के तत्वाधान में हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था की रेशमा, गीता, कनक, लता, हिमालिका और बबली ने महिला हिंसा विषय पर चर्चा की। उन्होंने महिला हिंसा और घरेलू हिंसा को लेकर छात्राओं को जागरूक किया, इनसे संबंधित कानून और संस्थाओं की जानकारी दी। प्राइम की दूसरी हेडलाइंस, अग्रवाल बंधु हत्याकांड मामले में पुलिस जाएगी बिहार। राजधानी स्थित एक न्यूज चैनल दफ्तर में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में रांची पुलिस बिहार जाएगी। इसके लिए रांची पुलिस द्वारा SIT का गठन किया गया है। हत्या का आरोप फरार न्यूज चैनल के संचालक लोकेश चौधरी पर लगा है। बता दें कि गुरुवार को साधना न्यूज चैनल के अशोक नगर स्थित दफ्तर में हेमंत अग्रवाल एवं महेंद्र अग्रवाल के शव मिले थे। उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस को लोकेश चौधरी की तलाश है। आजाद सिपाही प्राइम में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।